हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन आखिर होता क्या है, पैरेलल लाइन होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये दो टॉपिक को ब्रीफली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जो आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो जो पहला टॉपिक है वो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सबसे पहले हम लोग समझना होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन आखिर होता क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ क्या होता है एक दूसरे को क्रॉस करता है, यानी कि एक दूसरे से होते हुए पास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन में भी क्या होगा कि कुछ ऐसे लाइन होंगे क्या करेंगे जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखते हैं हम लोग डिफिनेशन क्या दिया हुआ है। तो डिफिनेशन है कि व्हेन टू और मोर लाइंस मेट एट ए कॉमन पॉइंट दे आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। बोल रहा है जब कोई दो या दो से ज़्यादा लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट पर मीट करते हैं, यानी कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं, उसमें उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन हुआ, इसको हम लोग L समझ लेते हैं, फिर कोई और एक लाइन है इसको हम लोग M समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट O है, तो ये जो पॉइंट है लाइन L में भी आ रहा है और ये जो पॉइंट लाइन M में भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो पॉइंट O है वो दोनों लाइन में कॉमन है। तो इस तरीके से जब दो या दो से ज़्यादा लाइन के बीच में कोई एक जो पॉइंट हो वो कॉमन हो, तो हम लोग बोलते हैं उसको इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें तीसरा लाइन भी हो सकता है, सॉरी यहाँ से हम लोग तीसरे लाइन को भी क्रॉस करा सकते हैं, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग वो नाम दे देते हैं, इसको हम लोग एन बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लाइन एल, एम और एन जो है कॉमन पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आई होप क्लियर हुआ कि जब किसी प्लेन पे दो या दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलते हैं, या फिर उन सारे लाइनों के बीच में कोई एक पॉइंट जो होता है कॉमन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं लाइन एल, एम एंड एन आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो है तीनों लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है। इसके अंदर और चार लाइन भी हो सकता है, पांच लाइन भी हो सकता है, कितने भी लाइन हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया है कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइन किसी एक पॉइंट पर कॉमन हो, यानी कि कोई एक पॉइंट जो हो दोनों लाइन या फिर दो से ज़्यादा जो लाइन होगा उसके अंदर कॉमन हो, तो उन सारे लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। उसी को दूसरे फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटरसेक्टिंग लाइन आर दोज लाइन डेट मीट और क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, किसी प्लेन पे दो या दो से ज़्यादा लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी कि एक दूसरे से मीट करते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे प्लेन क्या होता है, कोई प्लेन सर्फेस, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का क्या हो गया, कॉपी हो गया या फिर बुक हो गया, वो क्या है, प्लेन सर्फेस है। मान लीजिए दीवार है, तो दीवार भी क्या है, प्लेन सर्फेस है, जिसमें केवल एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन सर्फेस। तो जब प्लेन सरफेस पे कोई दो पॉइंट, जैसे मान लीजिए क्या है, एक तरह से ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे मान लीजिए कि ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये आपको समझ में आया कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लाइन किसी एक पॉइंट पे कॉमन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो या फिर एक दूसरे से मिल रहे हो किसी एक पॉइंट पे, तो हम लोग बोलते हैं उसको इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फिर हम लोग अगला टॉपिक है वो है पैरेलल लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया, हम लोग समझते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होता है। तो पैरेलल लाइन क्या होता है कि व्हेन टू और मोर लाइन दैट लाई इन द सेम प्लेन एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर नोन एज पैरेलल लाइन। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइन वो भी क्या हो, सेम प्लेन में हो, और वो कभी एक दूसरे से ना मिले, यानी कभी एक दूसरे को क्रॉस ना करे, कभी एक दूसरे से, कभी उन दोनों या फिर दो से ज़्यादा लाइनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। जस्ट इसका अपोजिट, इसमें क्या था, इसमें कॉमन पॉइंट होना चाहिए, एक दूसरे को क्रॉस करना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए, तब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें क्या हुआ कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइन क्या हो, कभी मिले ही ना एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे को कभी क्रॉस ही ना करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो कैसे, जैसे मान लीजिए ये सब क्या था, ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं क्या, रेल का पटरी देखते हैं, तो रेल का पटरी क्या होता है, दोनों पैरेलल होता है। जब कभी भी हम लोग देख नहीं सकते कि जो रेल का पटरी जाके एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहा हो, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। या फिर हम लोग सीढ़ी देखेंगे, सीढ़ी का जो दोनों वो होता है वो भी क्या होता है, एक दूसरे को पैरेलल होता है, वो कभी क्रॉस ना करता है एक दूसरे को। तो ये हम लोग जैसे मान लीजिए ट्रेन की पटरी है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे होता है ना, तो ये जो होता है कभी जाकर आगे मिलता है, नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग कितना भी एक्सटेंड कर दे दोनों लाइनों को, ये ना मिलेगा, तभी जाके हम लोग इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। तो समझ में आएगा कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइन क्या हो, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस ना करें, हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर ले, यानी कितना ही बढ़ा ले, तब हम लोग उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो ये समझ में आया। और पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर ही होगा।
एग्जांपल में समझ लिया कि जो रेल का ट्रैक होता है दोनों तरफ, वो क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, वो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं कर सकता है। तो एक एग्जांपल है पैरेलल लाइन का। जो हम लोग सीधी देखते हैं वो क्या है, वो भी एक एग्जांपल है पैरेलल लाइन का। तो यहाँ पे दूसरे फॉर्म में दिया है कि पैरेलल लाइन आर स्ट्रेट लाइन दैट नेवर मीट इच अदर नो मैटर हाउ मच वी एक्सटेंड। तो पैरेलल लाइन क्या होता है, एकदम दोनों दो लाइन होगा वो क्या होगा, दोनों या फिर कोई एक और लाइन भी हो सकता है, मान लीजिए एल है, ये एम है, ये एन है। तो ये तीनों लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कभी भी आगे जाके मिलने वाला ना है, तभी जाके इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन। तो इसको को क्लियर होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जिसके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होना चाहिए, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करना चाहिए, तब हम लोग उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन वही पैरेलल लाइन क्या होता है, जब दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन कभी भी ना मिले, कितना भी हम लोग उसको फैला लें दोनों लाइन को, तब हम लोग उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो ये आपको इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे लाइक करें। अगर आपको क्लास सिक्स रिलेटेड जितने भी वीडियो देखना है, चैप्टर वन का वीडियो देखना है, चैप्टर टू का वीडियो देखना है, चैप्टर थ्री का वीडियो देखना है, तो हमने इन सारे चैप्टरों का सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके इन सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। और फ्यूचर में भी हम लोग सारे फ्यूचर में भी हम लोग सारे जितने भी चैप्टर हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।